नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले डग्गामार वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए एआरटीओ की टीम और एआरएम रोडवेज की टीम ने कमर कस ली है। जनपद में डग्गामार वाहनों की वजह से सरकार को चूना तो लग ही रहा है, साथ ही यात्रियों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एआरएम रोडवेज आरबी यादव, एआरटीओ दीपक कुमार शाह ने बताया कि पीटीओ एसपी देव अपनी टीम के साथ तथा एआरएम आरबी की टीम मिलकर एक ज्वाइंट अभियान चलाएगी, जिससे जनपद की सड़कों पर रफ्तार भरने वाली डग्गामार वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा तथा इन डग्गामार वाहनों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कुछ डग्गामार बसें फर्जी रोडवेज बनकर सड़कों पर रफ्तार भर रही है, जिस कारण सरकार को चूना लग रहा है। वहीं साथ में यात्रियों को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये डग्गामार वाहन जो है, ये अनाधिकृत रूप से संचालित की जा रही है, इनका परमिट नहीं है। परमिट दूसरे स्थान का होता चलाते कहीं दूसरी जगह, वो भी इनका परमिट परमानेंट के लिए नहीं होता है, लेकिन इनके अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई नहीं हो पा रही सही से, क्योंकि मेरे द्वारा हर महीने लगभग जो है लेटर भेजा जाता रहा है एआरटीओ साहब, पीटीओ साहब के लिए कि समय चेकिंग वाला है, चेकिंग के लिए विशेष चेकिंग अभियान के तहत मुझे जो है समय उपलब्ध कराएं और मैं साथ में चेक करूँ, लेकिन इधर 3-4 महीने से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और फिर अभी रिसेंट में मेरे द्वारा लेटर भेजा गया है, 3 तारीख को इसी माह में लेटर भेजा गया है कि विशेष चेकिंग के अभियान के तहत कुछ गाड़ियां डग्गामार को बंद कर दिया जाए, और उसके बाद 17-5 को भी भेजा गया है। और यहाँ पे ये भी बताना है कि 16-5 को एक गाड़ी जो है बंद की गई थी, जो अनुबंध बस कलर की थी, उसके बाद 17 को फिर रिमाइंड कराया गया है, लेकिन और इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाई है। कल भी उनसे टेलीफोन पर संपर्क किया गया है कि समय दिया जाए विशेष अभियान के लिए, तो उन्होंने 22 की तारीख को जो है 22-5 को बताया है। अब देखो 22 तारीख को कितना समय देते हैं, तो अगर डग्गामार वाहनों पे कुछ विशेष अभियान चला लिया जाए, एक साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से रेगुलरली कर लिया जाए, तो हमारी समस्या डग्गामार जो है वाहनें कम हो जाएंगी और जिससे हमारी निगम की वाहनों की आय अप्रत्याशित आय में। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।